हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति भारद्वाज अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं इमली और गुड़ की मीठी चटनी, जिसे दही बल्लो और समोसों के साथ खाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए हमें ज़रूरत है इमली का पानी, गुड़, सौंठ, सौंफ, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, साबुत सौंफ, ज़ीरा पाउडर भुना हुआ, इलायची जिसे हमने कूट लिया है, तेल, किशमिश और खरबूजे के बीज। सबसे पहले हम एक पैन लेते हैं और इसमें तेल डालते हैं। देखिए तेल गर्म हो गया है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे सौंफ। इस बात का ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि वरना मसाले जल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे सौंठ, पिसी हुई सौंफ, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च और अब इसमें डालेंगे हम इमली का। इमली के पल्प में जब उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे गुड़। तो जब तक उबाल आता है हम इसे चलाएंगे। अब देखिए हम इसमें गुड़ डालेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक गुड़ मेल्ट ना हो जाए। देखिए इसमें अब उबाल आ रहा है और हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो हम इसी तरह चलाते हुए इसे पकाएंगे और साथ ही साथ हम इसमें किशमिश और खरबूजे के बीज भी डाल देंगे, जो इसी के साथ पककर इसी में अच्छे से मिल जाएंगे। ये देखिए चटनी हमारी गाढ़ी हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा 2 चुटकी, गरम मसाला 2 चुटकी और कुटी हुई इलायची 2 चुटकी स्वाद के लिए। अब इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद में सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी चटनी ठंडी हो गई है, इसको सर्व करते हैं। ये देखिए अब हमारी चटनी रेडी हो गई है। तो ये चटनी हमने इमली और गुड़ के साथ बनाई थी। आप इसे चाहें तो आमचूर और चीनी के साथ भी बना सकते हैं और हम इसको हर जैसे दही बल्ले और समोसों के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।